गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल N2 के जलवा में। जो आज हम क्लास करेंगे क्लास 9th का केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है, जो हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ाते आ रहे हैं, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे, जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम लोग बेसिकली चर्चा करेंगे डिफरेंसेस के बारे में कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफरेंसेस क्या होती है, उनके बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे कि क्या दोनों में जो कंपेयर करके जो हमने पिछले क्लास में भी हमने पढ़ाया है, ठीक है, तो उस कंपेरिटी को हम लोग थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका है पार्टिकल्स अरेंजमेंट। कोई भी अगर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस पार्टिकल अगर है, उनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अनुसार से है कि उनके पार्टिकल्स किस प्रकार अरेंज है, स्ट्रांगेस्ट अरेंज है कि वीक अरेंज है कि बहुत वीक अरेंज है, किस प्रकार के अरेंजमेंट उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसके पार्टिकल्स के बीच में है, उसी अरेंजमेंट के अनुसार से कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका है पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अनुसार से हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अनुसार से सॉलिड में क्या डिफरेंसेस, लिक्विड में और गैसेस में क्या होती है। सॉलिड पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अनुसार से बहुत ही स्ट्रांग होती है, क्योंकि सॉलिड सबस्टांस वही होता है जिसका पार्टिकल्स बहुत नज़दीक पे रहता है, बहुत ही एकदम नेग्लिजिबल जो स्पेस होता है इनके बीच में, ठीक है। इसके कारण ये क्या होता है कि बहुत इसका सॉलिड का पार्टिकल्स जो होगा वो स्ट्रांग होगा, लिक्विड का जो पार्टिकल्स होगा वो सॉलिड से थोड़ा वीक होगा, ठीक है, और गैसेस का तो बहुत ही वीक होगा, क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो होता है बहुत ही दूर दूर पे होने के कारण इनका जो पार्टिकल्स से वो दूर दूर पे होते हैं, और दूर दूर के होने के कारण इनका जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का वो बहुत ही कमजोर पड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद है मोशन, पार्टिकल्स मोशन कैसे, क्योंकि हम पिछले क्लास में भी हमने बताया कि या तो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, तीनों का पार्टिकल्स वो हमेशा मूव करते रहता है। कोई ऐसा पार्टिकल्स है जो कम मूव करता है, जो नहीं के बराबर भी करता है, और कोई बहुत ज़्यादा करता है। तो हमने सॉलिड की बात की है कि सॉलिड का जो पार्टिकल्स होगा वो अपने जगह पे वाइब्रेट ही करेगा, वो इधर उधर नहीं घूमेगा, क्योंकि उनका मॉलिक्यूल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है। और ये जो आपका लिक्विड का जो पार्टिकल्स है वो इधर उधर घूम सकता है, क्योंकि और ज़्यादा भी नहीं घूमेगा, ठीक है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा जो स्पेसेस जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है, और ये क्या कर सकते हैं कि ये घूम सकते हैं और ज़्यादा भी नहीं घूम सकते हैं। लेकिन गैसेस की बात करते हैं हम, तो गैसेस में क्या होगा कि इसके पार्टिकल्स, इसके जो पार्टिकल्स है वो फियरली मूव कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, इसके कारण वो गैसेस फॉर्म में होता है। इसके बाद हमने इससे बात की शेप और साइज का। शेप साइज जो होता है, ठीक है, वो किसी भी पार्टिकल्स का, जैसे आपका सॉलिड की बात करते हैं तो उनका जो शेप साइज होता है वो फिक्स्ड होता है, क्योंकि अगर ये शेप ले लेता है तो वही शेप में रहता है। इसमें क्या होगा, लिक्विड में नो फिक्स्ड शेप होगा, इनमें कोई फिक्स्ड शेप साइज नहीं होगा। गैसेस की बात करें तो इनमें भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होगा, कोई फिक्स्ड आपका साइज नहीं होगा, क्योंकि इनका मॉलिक्यूल्स, जाहिर सी बात है, इनका मॉलिक्यूल्स एकदम फ्री स्टेट में होते हैं, तो इनके कारण कोई इसके अंदर कोई शेप साइज नहीं होता है। बात करते हैं कंप्रेस का, कि तो कंप्रेस हम लोग किसी भी सॉलिड का हो, लिक्विड का हो, गैसेस का हो, तो सॉलिड सबस्टांस का जो कंप्रेसेबल जो है वो हम लोग बहुत ही कम कर सकते हैं, सॉलिड सबस्टांस का कंप्रेस, ठीक है। लिक्विड की बात आए तो लिक्विड को थोड़ा नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर उसको कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि बताइए इनका जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत नज़दीक है, कितनों कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेस नहीं होगा, लेकिन इनका मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर पे है, कंप्रेस करके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि थोड़ा नज़दीक ला सकते हैं। और बात करें गैसेस की तो हाईली कंप्रेसेबल होता है, इतना कि वो जब गैस होता है तो कंप्रेस करके उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ये क्योंकि हाईली कंप्रेसेबल होता है गैसेस, ठीक है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो होता है वो इसका फिक्स्ड होता है सॉलिड का, कि इस शेप में अगर वॉल्यूम है तो इस शेप में ही रहेगा। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड जो होता है उसमें वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स होता है, और गैसेस की बात करें तो उसमें वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है।
डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी, क्योंकि सॉलिड का हाई डेंसिटी होता है, लिक्विड का लो डेंसिटी है, और गैसेस का जो बहुत ही लो डेंसिटी होता है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूल्स दूर दूर पे हैं, इनके कारण डेंस नहीं है, तो बहुत ही दूर दूर पे होते हैं, इसके कारण लो डेंसिटी होगा। थोड़ा इनमें नज़दीक है, इसके कारण लो डेंसिटी होगा। और सॉलिड की बात करें, इसमें हाई डेंसिटी होगा, क्योंकि बहुत ही नज़दीक इसका मॉलिक्यूल्स होता है। बात करें डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन जो हमने बताया था पिछले क्लास में कि डिफ्यूजन जो होता है, हाई रेट में जो डिफ्यूजन होता है वो गैसेस में होता है, इसके बाद जो आता है लिक्विड में, ठीक है, उसमें थोड़ा कम आपका होता है, और सबसे कम जो डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो होता है सॉलिड लिक्विड गैसेस की बात हमने की, जो सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, और गैसेस क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमने बात करेंगे कि जो टेम्परेचर मेजरमेंट जो होता है, इसके बाद हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में देखेंगे कि जो टेम्परेचर का मेजरमेंट जो होता है वो किस प्रकार होगा, और हम लोग कोई भी सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, उसको कैसे हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर पाएंगे, इसके बारे में हमने देखेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में कि टेम्परेचर मेजरमेंट क्या होती है, हीट क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जो होता है, टेम्परेचर मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट में जो होता है सबसे पहले हम लोग देखेंगे हीट क्या है। तो टेम्परेचर मेजरमेंट जो होता है वो सबसे पहले उसमें हीट से करेंगे, कि अगर सबसे पहले देखेंगे हीट क्या है, तो हीट के बारे में अगर जानेंगे तभी तो टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हीट का, कि हीट क्या है। तो हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, हीट एक क्या है, एनर्जी है। एनर्जी के कारण ही कोई भी बॉडी में हीट का ट्रांसफर होती है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफरेबल होता है। तो हीट एक एनर्जी है जो किसी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस को बताती है कि वो बॉडी कितना हॉट और कितना कोल्ड है, ठीक है। जैसे हमने एक बर्फ की एग्जांपल ले लेता है, एक आयरन का एग्जांपल ले लेते हैं, जो धूप में रखा हुआ आयरन है, दोनों के कंपेयर की बात करें तो दोनों में टच करेंगे तो एक हमको ठंडा महसूस होगा, एक गर्म महसूस होगा। क्यों? क्योंकि वो एक एनर्जी जिसमें हीट का ट्रांसफर हुआ, जो हीट का ट्रांसफर उसमें हुआ, जैसे बर्फ की एग्जांपल ले लेते हैं, तो जब हम लोग फ्रिज में इसको रखते हैं, एक वाटर को फ्रिज में रखते हैं, तो आइस बन जाता है, बर्फ बन जाता है। तो आइस का एग्जांपल लेंगे तो ये आपका आइस है, और एक इतना ही बड़ा हम आयरन का एग्जांपल ले लेंगे जो आपका सनलाइट में रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां से इस पर सनलाइट तो हीट पड़ रहा है ना, क्योंकि ये हीट पड़ रहा है तो ये हॉट हीट, हॉट एनर्जी आ रहा है, और यहाँ से इसको कोल्ड, जो एयर में जो इसको रखा है फ्रिज में, इसको कोल्ड एनर्जी मिल रहा है। तो ये इसके कारण ये कोल्ड है, ये हॉट है। तो कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी अगर हॉट है, कोल्ड है, वो क्या बताती है, वो आपका एनर्जी के कारण होती है, कि एनर्जी उसमें कितना वो आपका ट्रांसफर हो रही है, कौन सी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं हीट को कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी कैन फील, या बट वी कैन फील द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, क्योंकि हम लोग हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी को फील कर सकते हैं एनर्जी के कारण, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हीट कहेंगे, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का जो ट्रांसफर होता है वो किससे होता है, हॉटर ऑब्जेक्ट से, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट जो होता है। हीट जो भी आपका, जैसे आप लोग घर में खाना बनते देखे हैं कि जो आपका जो हम लोग खाना बनता है तो उसमें क्या होता है कि जो जिसमें बर्तन में खाना बनता है वो गर्म रहता है, ठीक है। और जब हम लोग किसी ठंडे स्टोव जो यूटेंसिल्स होता है, जैसे हम लोग जो भी चलाने वाला होता है, ठीक है, उसको अगर हम उसके टच में रखेंगे तो वो भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीट का ही ट्रांसफर आपका हॉटर से, हॉटर से कोल्डर की ओर होता है। तो अगर ऐसा नहीं है कि जब उसको ठंडा गर्म के कांटेक्ट में लाएंगे तो ठंडा चीज़ को, गर्म चीज़ों को भी ठंडा कर देगा, वो ऐसा नहीं होता है, वो ठंडा चीज़ को गर्म कर देगा, ठीक है, गर्म चीज़ को ठंडा नहीं कर सकता है, क्योंकि हीट का ट्रांसफर ही हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर होता है, ठीक है। तो हम लोग हीट के बारे में देखा कि हीट जो होता है एक एनर्जी है जिसके कारण कोई बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस को बताती है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, हीट कहेंगे, ठीक है। इसका ट्रांसफर जो होता है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर होता है, ठीक है। और ये आपका हीट का जो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होता है, वो किसके कारण होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के कारण, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के कारण होती है। अगर वो कोई भी बॉडी हॉट है,
कोल्ड है, तो अगर हॉट बॉडी को अगर कोल्ड कर दिया, कोल्ड बॉडी अगर हॉट हो जाता है तो किस कारण? पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल एक हमने बताते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट ये आपका हॉट है और एक कोल्ड है, अगर दोनों को टच में इसको रखा जाए, जब इन दोनों को टच में लाया जाए तो क्या करेगा, ये हॉट ऑब्जेक्ट है तो इस कोल्ड ऑब्जेक्ट को भी हॉट कर देगा। क्यों? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होंगे इनमें ट्रांसफर होना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर हीट का ट्रांसफर होता है, और यहां से इसका मॉलिक्यूल्स जो होता है मूवमेंट करते 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 आपका इसमें ट्रांसफर होती है, और इसके कारण ये हॉट ऑब्जेक्ट है इस कोल्ड ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, ये भी हॉट कर देगा। ठीक है, इससे कारण जो होता है ये एनर्जी, अब यहां से जो ट्रांसफर हो रही है क्या है, एनर्जी है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर क्या है? ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है कि ये डिग्री, ये कोई भी बॉडी कितना गर्म और कितना ठंडा है उस डिग्री के रूप में दर्शाता है, तो वो क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। जैसे हमने बताया कि ये बॉडी हॉट है, बॉडी कोल्ड है, तो हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि ये बॉडी हॉट है, ये बॉडी कोल्ड है, लेकिन उसमें हमने ये चीज नहीं कहा कि ये बॉडी कितना हॉट है और कितना कोल्ड है। जब ये कितना हॉट और कितना कोल्ड को दर्शाती है तो यही टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिग्री में किसी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस और कोल्डनेस को दर्शाएगी तो उसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी का शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बताया कि जो नॉर्मल होता है वो 37 डिग्री, ये डिग्री में बताया कि 37, अगर हम इसको कह देते कि 37 है तो क्या होता है, ये हमारे शरीर का टेम्परेचर मेजर करता नहीं, क्योंकि टेम्परेचर का कुछ यूनिट भी होता है जिसको हम लोग सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन भी कहते हैं। ठीक है, इसको जो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर मेजर होता है तो वो आपका सेल्सियस में, फारेनहाइट में और केल्विन में होता है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जो टेम्परेचर होता है किसी बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस को डिग्री में बताती है उसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं, और इन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग बेसिकली तीन यूनिट का सहारा लेते हैं, एक सेल्सियस है, एक केल्विन है और एक फारेनहाइट है। ठीक है, सेल्सियस जो होता है वो एंडरसन सेल्सियस जो होता है इस सेल्सियस स्केल का आविष्कार किया था, जो सेल्सियस जो हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, एंडर्स सेल्सियस जो होता है, जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, जो इस सेल्सियस स्केल का खोज किया था जो हम लोग टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जो इसने बताया कि जो सेल्सियस में कोई भी टेम्परेचर का मेजर यूनिट करेंगे तो वो सबसे लोवेस्ट जो होगा, लोवेस्ट पॉइंट जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, इसके बाद बोला कि हाईएस्ट जो पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। आज भी हम लोग देखते हैं, आज भी हम लोग देख रहे हैं जो कि सबसे लोएस्ट टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, सबसे हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो सेल्सियस में होता है, लेकिन अगर इसी चीज को फारेनहाइट में, केल्विन में अगर मेजर करें तो इसका जो वैल्यू होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो सेल्सियस जो आपका मेजर करने का यूनिट है वो सबसे लोवेस्ट पॉइंट 0 डिग्री और हाईएस्ट पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग किसका, केल्विन का बात करें, अगर केल्विन का तो केल्विन में जो होता है, लॉर्ड विलियम थॉमस केल्विन जो है साइंटिस्ट एक थे, लॉर्ड विलियम थॉमस केल्विन, जिसने इस केल्विन स्केल का खोज किया और इसने बताया कि अगर उस टेम्परेचर को हम मेजर करेंगे केल्विन में तो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर आपका होगा 273 डिग्री केल्विन, 273 केल्विन। ठीक है, डिग्री इसमें नहीं लिखेंगे, और सबसे हाईएस्ट जो होगा, हाईएस्ट जो होगा 373 केल्विन होगा। ये लोवेस्ट हो गया, और ये सबसे लोवेस्ट, जैसे इसमें हम 0 डिग्री से कंपेयर करेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सबसे लोवेस्ट होगा, लेकिन अगर उसी चीज को केल्विन में देखेंगे तो सबसे लोवेस्ट आपका 273 डिग्री होगा। ठीक है, और हाईएस्ट जो होगा वो 373 होगा।
किसने बताया? लॉर्ड विलियम थॉमस केल्विन ने बताया इसको, कि हम लोग अगर केल्विन में मेजर करेंगे तब। इसके बाद जो आया आपका फारेनहाइट, ठीक है। डेनिस फारेनहाइट ने बताया कि जो हम अगर फारेनहाइट में उस टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर 32 डिग्री फारेनहाइट होगा और हाईएस्ट टेम्परेचर जो होगा वो 212 डिग्री फारेनहाइट होगा। ये आपका चीजों को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग तीन यूनिट बनाए। फर्स्ट बनाए सेंसिलियस बताए, इसके बाद केल्विन बताए और इसके बाद हम लोग फारेनहाइट देखे। अब होगा कि ठीक है, हमने आप सर तो बता दिए कि लोवेस्ट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, और हाई जो केल्विन में 273 डिग्री केल्विन होता है, ठीक है, आपने ये चीज बताया। ये होता कैसे है इसके बारे में भी तो बता दीजिए। चलिए तो भागी नहीं, देखिए कि ये आपका कैसे होता है कि लोएस्ट टेम्परेचर 0 डिग्री और हाईएस्ट जीरो से आपका लोएस्ट टेम्परेचर केल्विन में 273 डिग्री और हाईएस्ट 373, लोएस्ट फारेनहाइट में 32 और हाईएस्ट 212। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं, एक फार्मूला दे रहे हैं, उस फार्मूला को याद रखिएगा। चलिए तो ये आपका फार्मूला है, ठीक है, जो F माइनस 32 बाई 180 डिग्री 180 बराबर C बाई 100 बराबर K माइनस 273 बड़ा 100। ये आपका फॉर्मूला जो आप केल्विन से सेंसिलियस से फारेनहाइट सेंसिलियस केल्विन मतलब तीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर एक डिग्री आपका दिया हुआ है सेंसिलियस में ही आपका टेम्परेचर दिया हुआ है, कह देगा केल्विन में निकालने के लिए, केल्विन में दे दिया, सेंसिलियस में कह देगा, फारेनहाइट में कह देगा, तो हम इसी फार्मूला के सहायता से हम लोग निकालेंगे। अगर फारेनहाइट से सेंसिलियस में चेंज करना होगा तो इस चीजों इसको भुला जाएंगे, इसके बराबर इसको कर देंगे। अगर सेंसिलियस से केल्विन में चेंज करना होगा तो इसको भुला जाएंगे, इसके बराबर इसको कर देंगे, ठीक है, और अगर इससे इसमें कन्वर्ट करना होगा या इससे कन्वर्ट करना होगा तो इसको भुला जाएंगे। ये चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग कन्वर्ट करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस है उसको 32 डिग्री आपका फारेनहाइट कैसे आएगा देखिए, सॉरी यहां फारेनहाइट होगा ना, फारेनहाइट में, ठीक है। चलिए ये आपका जो है सेल्सियस से फारेनहाइट में चेंज करना है तो इसके बराबर ही करेंगे, तो एफ माइनस 32 बाई 180 बराबर सी बाई 100, एफ माइनस 32 बाई 180 इक्वल टू सी, 0 डिग्री सेल्सियस आपका दिया हुआ है, सी के जगह 0 डिग्री कर लिख देंगे और यहां 100, 0 से 0 कैंसिल होगा और यहां 5 × 2 = 10, 9 × 2 = 18, यहां करिए एफ माइनस 32 बाई 9 इसकल टू 0/5, तिरछा तिरछा गुना कराएंगे, 5f माइनस 160, क्योंकि 32 में 5 से गुना 160 होगा बराबर 0 में 9 से गुना होगा 0 होगा, 5f बराबर इधर जाएगा 160 डिग्री होगा, एफ डिग्री फारेनहाइट बराबर है वह 160/5, जब गुना में इधर भाग में लेके आएंगे 32 से कटेगा, फारेनहाइट बराबर 32 डिग्री फारेनहाइट। यहां देखिए तो आया 32 डिग्री, अगर सेल्सियस में 0 डिग्री होगा तो फारेनहाइट में 32 डिग्री होगा, ठीक है, वही टेम्परेचर फारेनहाइट में कितना होगा 32 डिग्री, ठीक है। इसके द्वारा एक और हम लोग एग्जाम्पल लेके बताते हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है 400 केल्विन को हम लोग चेंज करेंगे आपका सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में इसको कन्वर्ट करते हैं। चलिए तो हम लोग सेल्सियस से केल्विन इसको भुला जाएंगे, इसके बराबरी कर देंगे, फॉर्मूला क्या होगा, सी बाई 100 इजकल टू के माइनस 273 बाई 100, ठीक है। चलिए तो सी बाई 100, क्योंकि हमको सी निकालना है ना, के की जगह 400 माइनस 273 बाई 100, ठीक है। चलिए ये से खत्म, 100 से 100 कैंसिल, सी बराबर 400 में से 173 घटाएंगे, बोलिए 10 3 7 और 9 2 और 1, 127 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर होगा, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे और इसके सहारे बहुत सारे
आपका एग्जाम्पल है जो आप बुक में होगा वो कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस से इसको आप 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसको आप केल्विन में चेंज करें, केल्विन में चेंज करके बताएं कि ये कितना होगा। चलिए चेंज करके बताते हैं, यहां सेल्सियस से केल्विन में ना, यहां इसको लेंगे सी बाई 100 बराबर के माइनस 273 बटा 100, 100 से 100 कैंसिल, यही तो हमको निकालना है केल्विन में ना। सेल्सियस का वैल्यू दिया हुआ है 25 बराबर के माइनस 273, तो अब यहाँ इसको इधर लेके आइए, 25 प्लस माइनस प्लस में 273 बराबर के जोड़ दीजिए, 5 3 8 7 2 9 298 के, मतलब केल्विन 298 आपका के आंसर होगा, ठीक है। ये चीजों को हमेशा ध्यान में रखेंगे और आपका कन्वर्सेशन जो होगा डिग्री सेल्सियस का इसी तरीके से होगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस करेंगे नेक्स्ट डे में, और इसके लिए आप जितना भी टाइम दिए इसके लिए थैंक यू, और चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपका नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच।